से स्टार्ट करना है। मिल्किंग एनिमल मीन कि अगर आपके पास 40 के करीब एनिमल्स होंगे तो उनमें से 20 या 25 एनिमल्स जो हैं वो मिल्किंग पे होंगे। अब आते हैं ब्रीड्स पे कि एग्जॉटिक ब्रीड्स इस वक्त कौन सी हैं जो पाकिस्तान में आ रही हैं। पाकिस्तान में सबसे जो माजी में आ रही थी वो ऑस्ट्रेलियन थी, स्टिल इस साल ऑस्ट्रेलियन की शिपमेंट नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया से दो ब्रीड्स पाकिस्तान में आती हैं, एक फ्रीजियन है और एक फ्रीजियन जर्जी क्रॉस है। दोनों में जो फ्रीजियन है उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, कह लें कि सेकंड थर्ड लैक्टेशन में अराउंड अबाउट वो 50 लीटर्स के देती है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसकी हमारे एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट वेरी पुअर, तो इसलिए ज्यादा जो सक्सेसफुल चली है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो फ्रीजियन जर्जी क्रॉस है। 35-40 लीटर दूध देती है, इम्यूनिटी का लेवल बेहतर है, हीट के जो प्रॉब्लम है, जो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स हैं वो बेहतर तरीके से उनको फेस करती है। इसके जी बाद आगे अभी जो फ्रीजियन इस दफा चूंकि कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलियन शिपमेंट नहीं आ रही तो लार्जेस्ट इम्पोर्टर जो है वो प्रोफार्म है। प्रोफार्म इम्पोर्ट कर रही है अमेरिकन फ्रीजियन और अमेरिकन जर्जी। इस साल जनवरी में शिपमेंट आनी है अमेरिकन फ्रीजियन और जर्जी की। जो फ्रीजियन है वो तकरीबन 2900-3000 डॉलर में, राउंड अबाउट कह ले कि को 5-5.5 लाख की कहो वो फार्मर को पहुंचेगी, पाकिस्तान में मिलेगी उसके फार्म पे। जी ठीक ये ब्रीड्स का ट्रेंड है। इसके बाद अभी आगे जो चल रहा है, लोग चूंकि वो नई ब्रीड इंट्रोड्यूस हो रही है डेयरी सेक्टर में, वो है ब्राजीलियन गीर। बेसिकली ये इंडियन ब्रीड है, वो लेके गए, उन्होंने इस पे काम किया, ये डेवलप कर ली, उन्होंने गीर ब्रीड बना ली जिसका 50-60 लीटर दूध है और उनके पास इस क्वांटिटी में एनिमल मौजूद हैं कि वो उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी रीजंस हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ब्राजील से इंपोर्ट पे बैन किया हुआ है, इस वजह से ब्राजीलियन गीर पाकिस्तान नहीं आई। लेकिन अगर आ जाती है तो मेरा पर्सनल ये रिमार्क्स है कि शायद ये फ्रीजियन जर्जी को रिप्लेस कर दे पाकिस्तान में, क्योंकि इसकी टोटल जो लुक, इम्यूनिटी, हर चीज वो हमारी लाइक साहिवाल का हुआ है और प्रोडक्शन इसकी तकरीबन 50 लीटर था एवरेज। उन्होंने एक दूसरी ब्रीड बनाई है गर्लैंडो, ये अपनी गीर की और फ्रीजियन का क्रॉस करवा के उन्होंने एक नई ब्रीड तैयार की है गर्लैंडो, उसकी भी प्रोडक्शन तकरीबन इसी तरह आया और उसकी इम्यूनिटी हर चीज बहुत बेहतर है, एनवायरमेंट भी तकरीबन पाकिस्तानी एनवायरमेंट है। तो डेयरी के बिजनेस में सबसे अहम है ब्रीड, जो मेन और पहला पिलर है वो है आपकी ब्रीड कौन सी है। अगर डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपको डेयरी ही की ब्रीड रखना पड़ेगी, आप फैटनिंग वाली या कोई बीफ ब्रीड रख के डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते। तो जो डेयरी की ब्रीड्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं सारी। इसके बाद जो सेकंड पिलर है डेयरी फार्मिंग का वो है न्यूट्रिशन। मेजर कास्ट न्यूट्रिशन जो है ना डेयरी फार्मिंग है, सबसे जो बड़ी कास्ट है वो न्यूट्रिशन की है। अबाउट 70% कास्ट है जो आपके फार्म की, उसका 70% सिर्फ न्यूट्रिशन है। जो कंजर्वेटिव फीडिंग है हमारे जो रूरल एरियाज में चलती है वो इसी तरह से है कि जानवर को ग्रीन फॉडर डाल दिया, खलवंडा डाला, डाला नहीं डाला, बस ठीक है सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें आप टोटल ही कैलकुलेटेड चलते हैं, आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं एनिमल को फीड करवाने के लिए। एनिमल को फीड करवाने के लिए आपके पास सबसे पहला आ जाता है फॉडर, साइलेज। साइलेज के बगैर कमर्शियल फार्मिंग मेरे नजदीक पॉसिबल नहीं। वजह उसकी कि आपने अगर 500 या 5000 एनिमल रखे हुए हैं तो डेली इतने एनिमल्स का फॉडर कट करके ला के उसको चॉप करके एनिमल को खिलाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। और हमारे यहाँ जहाँ एनवायरनमेंट के भी ऐसे हैं कि बारिश है, कभी धूप है, शदीद गर्मी, सर्दी, सो साइलेज बेस्ट ऑप्शन है। साइलेज के साथ आप एनिमल को हे दे सकते हैं, लूसन का हे या रोड ग्रास का हे है वो यूज कर सकते हैं उसका ड्राई मैटर पूरा करने के लिए। इसके अलावा फिर आपका कंसंट्रेट्स में आ जाता है बंडा, कि बट आपने एनिमल की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने वंडे से पूरी करनी है। इसमें हम ये बात करते हैं जी किन्नी साइलेज, किन्ना बंडा, कितना डालना चाहिए, कितने दूध पे, जो थंब रूल है बस वो इसी तरह से जी 3 लीटर दूध पे 1 किलो बंडा पा दो जानवर नू। साइलेज है जेड एडलिबिटम दो जिन्ना वो खा सकता है, वाटर है एडलिबिटम। लेकिन
ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਇਲੇਜ ਵੰਡਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫੀਡਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TMR ਤੇ ਆਓ। TMR ਕੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਮਿਕਸ ਰਾਸ਼ਨ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ TMR ਵੈਗਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇਲੇਜ ਦੇ ਦਿਆ, ਉੱਪਰ ਹਮਨੇ ਵੰਡਾ ਡਾਲ ਦਿਆ, ਐਨੀਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ, 1-2 ਕਿਲੋ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਇਲੇਜ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਾਇਆ, ਜੋ ਵੰਡਾ ਉਸਕੇ ਰੂਮਨ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਐਸੀਡੋਸਿਸ ਕਰਵਾਈ, ਲੇਮਨਾਈਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੀ ਮੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਵੋ ਲੇਮਨੈਸ ਹੈ, ਲੇਮਨਾਈਟਿਸ, ਜੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ TMR ਫੀਡਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਕਾ TMR ਕਿਆ ਹੈ? TMR ਮੇ ਹਮਨੇ ਏਕ ਐਨੀਮਲ ਕਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਐਨੀਮਲ 40 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸਕੋ ਇਤਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਏ, ਇਸਕੋ ਇਤਨੀ ਮੈਗਾ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਏ, ਹਮਨੇ ਵੋ ਸਾਰੀ ਉਸਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਹਮਨੇ ਜੋ TMR ਵੈਗਨ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਡਾਲ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਸਾਇਲੇਜ, ਵੰਡਾ, ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ, ਸੋਡਾ ਬਾਈਕਾਰਬ, ਮਿਨਰਲ ਬਫਰਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਨਕੋ ਡਾਲਾ। TMR ਵੈਗਨ ਜਬ ਚਲੀ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਆ, ਤੋ ਕਾਓ ਜਬ ਵੋ ਖਾਏਗੀ TMR, ਏਕ ਬਾਈਟ ਮੇ ਉਸਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਵੋ ਏਕ ਨਵਾਲਾ ਲੇਗੀ, ਉਸਮੇ ਸਾਇਲੇਜ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਉਸਮੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਰਿਮਿਨਰਲ ਬਫਰਸ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਹਰ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਮ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੋ ਏਕ ਬਾਈਟ ਮੇ ਉਸੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜੋ ਸਬਸੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਵੋ ਹੈ TMR ਕਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫੀਡਿੰਗ ਹੈ 3 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ, ਵੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਕੀ CP ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਵੋ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਨਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪਨੇ ਐਨੀਮਲ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਇਲੇਜ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਇਲੇਜ ਮੇ ਸਬਸੇ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਔਰ ਜੋ ਸਬਸੇ ਅੱਛਾ ਸਾਇਲੇਜ ਬਣਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਮੇਜ਼ ਸਾਇਲੇਜ। ਮੇਜ਼ ਕੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾਫ ਮਿਲਕ ਲਾਈਨ ਪੇ ਜਬ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਾਣਾ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਮਿਲਕ ਲਾਈਨ ਕੇ ਦਾਣਾ ਆਧਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਆਧਾ ਅਭੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸਕੋ ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਡੰਬ ਕਰ ਦਿਆ, 30-35-40 ਦਿਨ ਮੇ ਜਬ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਆ, ਸਾਇਲੇਜ ਆਪਕਾ ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਜੋ ਮੇਜਰ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾ ਜੋ ਡੇਰੀ ਮੇ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਬਰੀਡ, ਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਬਰੀਡ ਡੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਉਸਕੋ ਖੁਰਾਕ ਉਸਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਦੀ, ਦੋਨੋ ਪਿੱਲਰ ਆਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਬ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਮੇਜਰ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਬਸੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਜਰ ਅਬਸਟੇਕਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੋ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਡੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇ, ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਕੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਯੇ ਸਬਸੇ ਕਹਿ ਲੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਨਕਾ ਵੀ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਗਾਏ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਵੋ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਕੀ ਬਰੀਡ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਕੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾ ਸਲੋਗਨ ਜੋ ਬੋਲਾ ਜਾਤਾ ਅਕਾਫ ਆਈਅਰ, ਕਿ ਹਰ ਗਾਏ ਕੋ ਏਕ ਸਾਲ ਮੇ ਏਕ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਯੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੇਤਾ ਕਿ ਉਸਕੀ ਗਾਏ ਏਕ ਸਾਲ ਮੇ ਏਕ ਬੱਚਾ ਦੇ, ਵੋ ਕਭੀ ਲਾਸ ਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਵੋ ਲਾਸ ਮੇ ਕਬ ਆਏਗਾ? ਜਬ ਉਸਕੀ ਗਾਏ 2 ਸਾਲ ਮੇ ਏਕ ਬੱਚਾ ਦੇਗੀ, ਯਾ 3 ਸਾਲ ਮੇ ਏਕ ਬੱਚਾ ਦੇਗੀ, ਯਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਦੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰਿਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਫ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਡੇਰੀ ਸੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਇਸਮੇ ਜੋ ਮੇਜਰ ਹਰਡਲਸ ਹੈ ਵੋ ਕੌਨ ਸੇ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹਰਡਲ ਹੈ ਹੀਟ ਸਪਾਟਿੰਗ ਕਾ, ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਹੀਟ ਮੇ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਨ ਸੇ ਐਨੀਮਲ ਹੀਟ ਮੇ ਹੈ, ਕੌਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਟ ਸਪਾਟਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਅਨਸੈਮੀਨੇਟਰ ਕਾ, ਕਿ ਆਪਕਾ ਜੋ ਅਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਯਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵੋ ਸਕਿਲਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਮੈਨੇ ਅਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯੂਟਰਾਇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਆਇਆ ਯੂਟਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਓਵਮ ਕੋ ਯਾ ਐਮਬਰੀਓ ਕੋ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਉਸੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਾ ਮੁਝੇ ਇਸਕੋ ਇੰਟਰਯੂਟਰਾਇਨ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਯਾ ਵਟਸਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਉਸੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਅਬਸਟੇਕਲ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਸੀਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟਸ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਕੁਛ ਲੋਕਲ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗੀ, ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਹਮੇ ਯੁਵਾਸ ਕੀ ਵੀ,
कि उन्होंने कासा मंगवाया हुआ है, आप सिंपल जो आपने अपने फार्म के लिए सीमन लेना है, आप कहें जी ठीक है साढ़े 100 डोज का ऑर्डर दिया था, ये डोज आप ले जाएं, उसमें से 2-3 डोज इसका वहां पे कासा करवा लें। कासा क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस, कि इसमें आपको मैनुअली स्पर्म्स को एनालाइज नहीं करना पड़ता, आपने जस्ट एक ड्रॉप उसके अंदर डाल दिया, स्लाइड रखी और उसने सारी रिपोर्ट दे दी कि प्रोग्रेसिव मोर्टिलिटी कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, लाइव डेड रेशियो क्या है, हर चीज वो आपको पूरी एक डिटेल बना के दे देगा। सो आपने सीमन की क्वालिटी को इस कासा करवा के एवेलुएट कर लिया। इसके बाद आपके हर्ड का भी फर्टिलिटी लेवल जो है ना वो मैटर करता है कि आपका जो हर्ड है उसका फर्टिलिटी लेवल क्या है। कुछ फार्म पे ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे कि काविंग के टाइम पे आपने क्लीन एनवायरमेंट नहीं दिया, जो भी एनिमल काविंग करके आ रहा है कोई क्लिनिकल एंडोमेट्राइटस में है, कोई सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटस में है, वो भी प्रेगनेंसी में ठीक ठाक इंटरफेरेंस करेंगी चीजें। सो हर्ड की फर्टिलिटी लेवल मैटर करती है। यूट्राइन पैथोलॉजी इज मेजर इशू है रिपीट ब्रीडिंग में, रिप्रोडक्शन के जो है प्रॉब्लम उनमें सबसे जो मेजर है वो यूट्राइन पैथोलॉजी है, कि आपने उसको हाइजीन एनवायरमेंट नहीं दिया, एनिमल ने सिस्ट डेवलप कर लिया, खा वो फालिकर है या ल्यूटियल है, एनिमल को एंडोमेट्राइटिस हो गई, सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस हो अच्छा गई, साल्पिंजाइटिस हो गया, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन को एक टफ सब्जेक्ट बनाते हैं। इसके बाद आगे इस केस में आ जाता है कि हाउ टू ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स। आपने सारी ये जो चीजें हैं मैं साथ बताया हूँ कि हीट स्पॉटिंग के लिए आप वहां कोई लड़के की ड्यूटी रखें कि वो इन चीजों को मैनेज करे, एआई के लिए आपका स्किल्ड होना जरूरी है, सीमन की क्वालिटी के लिए कास्टा एनालिसिस करवाएं, तो अपना बाकी जो है यूट्राइन पैथोलॉजीज उनके लिए अपने एनिमल्स को काविंग के टाइम पे अच्छा एनवायरमेंट दें, काविंग के बाद उन्हें अटेंड करते रहें, फिर फर्दर आपके पास मैक्सिमम प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ 5 से 6 माह बचते हैं, कि आपने अक्टूबर से लेके तो मार्च अप्रैल तक अपना 90% हर्ड प्रेग्नेंट करना है। गर्मियों में हीट स्ट्रेस के सीजन में आपको रिप्रोडक्शन का जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपके बढ़ जाएंगे, एआई का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आपने इस 5-6 माह के अरसे में आपने पूरे हर्ड को प्रेग्नेंट करना है। उसके लिए आपके पास सबसे जो बेस्ट टूल है वो है सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल, और जिनमें से बेस्ट प्रोटोकॉल ऑफसिंक प्रोटोकॉल है। ऑफसिंक प्रोटोकॉल को जिसको 079 प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, कि day 0 पे आपने GnRH लगा दिया, day 7 पे आपने PG लगा दिया, और day 9 पे आपने अगेन GnRH लगा के day 10 पे टाइम AI कर दी। सबसे बेहतरीन 50% जो है ना कंसेप्शन रेट वो ऑफसिंक प्रोटोकॉल का है। नेक्स्ट, ये 3 मेजर पिलर्स थे। जो फोर्थ पिलर है वो है हेल्थ, कि आपने पहले वाले तीनों चीजें अपने फॉर्म पे कवर कर ली। चौथा है कि आपका जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ स्टेटस जो है वो बेहतर होना चाहिए। हेल्थ स्टेटस आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? साल में 3 से 4 दफा आप अपने एनिमल्स की डिवर्मिंग करें, उनकी जब खुराक आप देंगे कैल्शियम फास्फोरस की रेशियो पैका के इश्यूज ना हों तो साल में 1 दफा डिवर्मिंग भी काफी है, लेकिन अगर आपके एनिमल को पैका का इश्यू है तो आपको 4 से 5 दफा साल में डिवर्मिंग करनी चाहिए, और उनका जो मिनरल्स के लेवल हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। उसके बाद आ जाती हैं आपकी वैक्सीन्स, के आपने जो हेल्थ स्टेटस में कोशिश करें कि आपका एनिमल बीमार ना हो, बीमार हो गया चूंकि ये बड़े साइज की काउज होती हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होती है इनकी, जब ये बीमार हो जाती हैं तो फिर थोड़ी सी रिकवरी जो है ना वो मुश्किल चीज है। सो आपने, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने प्रिवेंशन पे रह के ही चलना है। उसके लिए आप साल में 4-5 दफा डिवर्मिंग्स करें, आप अपने एनिमल्स की सारी वैक्सीन्स करें। वैक्सीन 4-5 मेजर डिजीजेज हैं और 4-5 वैक्सीन्स हैं, जैसे कि मुंह खोर की वैक्सीन FMD, साल में 3 दफा FMD करें अपने एनिमल्स को हर 4 माह बाद। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की वैक्सीन है, साल में 2 दफा ये करें। फिर अभी ये पिछले 3-4 सालों में बुवाइन एफीमिरल फीवर 3-डे सिकनेस, इसका भी आउटब्रेक हुए हैं पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में। इसके आउटब्रेक्स होते हैं तकरीबन जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 माह में। सो अप्रैल में इसकी वैक्सीन कर लें। बेफ की वैक्सीन अवेलेबल है, तारोबीना कारपोरेशन है कंपनी का नाम, वो इंपोर्ट कर रहे हैं बेफ की वैक्सीन, इसकी वैक्सीन करें। नेक्स्ट वैक्सीन आपकी आ जाएगी बुवाइन ब्रूसिलोसिस, जो कि मेजर इशू है। अपने फार्म की, अपने हर्ड की वक्तन फवक्तन टेस्टिंग करवाएं बुवाइन ब्रूसिलोसिस के लिए। अगर कोई भी एनिमल पॉजिटिव निकलता है फौरन उसको कॉल करें, और जो आपकी ही फर्ज है जब बच्चा पैदा होता है
5-6 माह की एज का जब हो जाए उसको ब्रूसेला की वैक्सीन लगा दें। कोशिश करें अगर तो आपके फार्म आपने सारा फार्म स्कैन करवाया है वहां पे ब्रूसेला नहीं है तो वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस ना करें। वैक्सीन उस केस में इंट्रोड्यूस करें कि अगर कुछ एनिमल रिपोर्ट हुए हैं ब्रूसेला वाले उनको फौरन कॉल करें और फार्म की जो सैनिटाइजेशन है उसको बेहतर करें। इसके बाद जो अगली वैक्सीन आपकी आ जाती है वो है क्लास्ट्रिडियल वैक्सीन, टॉक्सीप्रा के नाम से भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। तो ये बेसिकली जो 5-6 किस्म के क्लास्ट्रिडियल बैक्टेरियाज हैं जो सीवियर इलनेसेस काज करवाते हैं सबके अंगेंस्ट ये कंबाइंड वैक्सीन है। क्लास्ट्रिडियम टेटनी है या क्लास्ट्रिडियम सेप्टिकम जितने भी क्लास्ट्रिडियल स्पीशीज हैं सबको ये कवर करती है। डेयरी में जो हेल्थ इश्यूज में इसके बाद जो मेजर इशू है वो है लेमनेस का। लेमनेस दो तरह की है, पहली जो है वो लेमिनाइटिस है जो कि सारा जिसको हम बोलते हैं सब अक्यूट रूमिनल एसिडोसिस। जैसे मैंने बताया था कि टीएमआर वैगन ना हो, आपके एनिमल ने ज्यादा वंडा खा लिया, वो उसके रूमन में जाके एसिडोसिस करवाएगा और हिस्टामिन्स जो है वो पैदा होंगे, वो जाके उसकी जो लैग की न्यूरॉन्स है उनके साथ अटैच होंगे और एनिमल लेमनेस शो करवाएगा। ये टोटली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जबकि दूसरा जो लेमनेस का डिसऑर्डर है उसको हम बोलते हैं पोडोडर्माटाइटिस, जो कि चूंकि जो फ्लोर है वो तो वेट रहना है, गर्मियों में 5-6 माह आपने शावर चलाने हैं, छोटे से शेड में थोड़े कंजस्टेड एरिया में ज्यादा एनिमल है, यूरन डंग वहां पे पड़ा हुआ है, तो आपका जो फ्लोर है ना वो हमेशा से वेट है, गीले फ्लोर पे जर्म्स का लोड ज्यादा है, इन्फेक्शियस एजेंट्स का लोड ज्यादा है, तो सबसे जो मेजर हूफ का इशू आएगा वो आएगा आपको पोडोडर्माटाइटिस का। उसको आप कवर कर सकते हैं अपने एनिमल की कॉपर सल्फेट की डिप करवाएं, जो मिल्किंग पार्लर है जब मिल्किंग एनिमल वहां से निकल के जाते हैं रास्ते में डिप बना दें जिसमें 1% कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज करें ताकि एनिमल के जो फूट हैं वो डेली वॉश हों। इसके अलावा हूफ ट्रिमिंग कम अज कम साल में अपने हर्ड की एक दफा हूफ ट्रिमिंग जरूर करवाएं। हेल्थ में फिर तीसरा आपका जो एंड जो मेजर इशू है वो है कंफर्ट लेवल, कि आपकी जो काउज हैं उनको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, उनको स्ट्रेस ना आए किसी किस्म का। उसके लिए आपके जो क्यूबिकल्स हैं उनका मेजर रोल है, क्योंकि आप ग्रेजिंग सिस्टम नहीं है, टोटल इंटेंसिव फार्मिंग है, फैक्ट्री फार्मिंग है, तो थोड़े एरिया में ज्यादा काउज को अकोमोडेट किया होता है क्यूबिकल्स ने। सो आपने क्यूबिकल्स की जो मेजरमेंट्स हैं, जो उनकी डायमेंशंस हैं, वो काउ के कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए अपने क्यूबिकल को डिजाइन करवाएं, बल्कि ओवरऑल शेड का डिजाइन ही काउ के कंफर्ट को और एनवायरमेंटल स्ट्रेस को देखते हुए आप शेड का डिजाइन करें। ठीक। ये मेजर 4 पिलर्स थे जो कि हेल्थ से एनिमल से रिलेटेड थे। इसके बाद जो फाइनल और मेजर पिलर है वो है मार्केटिंग। क्या आपने पहले वाले 4 जो पिलर्स थे उनको कवर कर लिया, आप हर एंगल से पूरे हैं, आप अपने फार्म को बड़ा बेहतरीन लेके जा रहे हैं, एंड पे आ जाएगा मार्केटिंग। आपकी जो एंड प्रोडक्ट है कि जो दूध आपके पास है वो आपने सेल करना है, उसका रेट क्या है, किस रेट पे सेल करना है, किस कंपनी को सेल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सारा प्रॉफिट मार्केटिंग पे ही डिपेंड करता है। उसके लिए मिला कंपनीज हैं जिनमें से नेस्ले पाकिस्तान सबसे टॉप पे है। अभी चूंकि फीड की कास्ट जो है वो काफी इंक्रीज हो गई है, तो नेस्ले ने भी अपने दूध के रेट्स काफी हद तक बेहतर कर लिए हैं, कि नेस्ले कभी 45-50 रुपए पर लीटर से ऊपर नहीं था आया, अभी नेस्ले 80 तक रेट जो है फार्म को ऑफर कर रही है 80 रुपए पर लीटर काउ मिल्क का। हालांकि हमारी ओपन मार्केट में भी शायद काउ मिल्क 70-75 रुपए में सेल हो रहा है, लेकिन नेस्ले अच्छा रेट दे रही है। एंग्रो आ जाती है, एंग्रो भी नेस्ले के कॉम्पिटिशन में, माजी में एंग्रो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं थी कर रही, अभी कुछ फ्राइजलैंड की को कंपनी है उन्होंने एंग्रो परचेज कर लिया, तो अभी वो नेस्ले के कंपटीशन मार्केट में आ रही है। बाकी छोटे ये गोरमे एडम वाले इस तरह मतलब छोटी छोटी कंपनीज काफी आ रही हैं मिलो कलेक्शन सेटअप में। इसके बाद आपके पास ऑप्शन बच जाता है प्रोसेसिंग का, आपका अपना ऑप्शन भी है कि आप पास्चराइजेशन प्लांट लगाएं, दूध को पैक करें पाउच की शेप में और उसको मार्केट करें। मेरा एक फार्मर है इधर रिनाला में, 3,000 लीटर दूध है पर डे उनका, तो वो नेस्ले को भी सेल करते हैं। 500-600 लीटर पास्चराइजेशन प्लांट डेयरी पे लगवाया हुआ है, डेली वो पाउच में पैक करके तो DHA लाहौर डेली फार्म से गाड़ी निकलती है, होम डिलीवरी देती है 140 रुपए लीटर।
तो ये भी ऑप्शन है फार्मिंग में कि मार्केटिंग का भी इतना इशू नहीं है, क्योंकि पाउडर मिल्क जो है उस पे बैन लग गया है, तो जिसकी वजह से दूध की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए दूध के रेट्स काफी बेहतर हो गए हैं माजी की निस्बत। मतलब जो लोग अभी डेयरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो राइट टाइम है उनका डेयरी इंडस्ट्री में एंटर होने का। ये थे डेयरी इंडस्ट्री के मेजर 5 पिलर्स। अभी हम आते हैं कास्टिंग की तरफ और डेयरी इंडस्ट्री का जो सिनेरियो है इस वक्त पाकिस्तान में, लोगों के रिमार्क्स क्या हैं। नहीं, ये जो सारी बातें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल है, इसके साथ दूसरों को इख्तलाफ हो सकता है। सो कास्टिंग में मैं बात करूंगा जो डेयरी की आपका वेट एवरेज है, वेट एवरेज हम बोलते हैं कि आपका 100 एनिमल मिल्किंग पे है, उसमें से कुछ एनिमल 40 लीटर दूध दे रहे हैं, कुछ 30 लीटर दे रहे हैं, कुछ 20 दे रहे हैं, कुछ 10 दे रहे हैं, तो आपने एवरेज निकालनी है कि आपका 100 एनिमल की मिल्क की एवरेज क्या है। तो आपकी जो वेट एवरेज है वो अगर 16 लीटर है या उससे बिलो है तो आप लॉस में, 16 लीटर पे आके आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो ऊपर आपकी एवरेज जानी है वो आपका प्रॉफिट है। 17 लीटर अगर आपकी वेट एवरेज आ रही है तो आप पर एनिमल 1 लीटर बचा रहे हैं। अगर 20 लीटर की एवरेज है या 25 लीटर की आपकी एवरेज है तो उसी तरह से आपका प्रॉफिट है। नॉर्मली इस वक्त जो एवरेज चल रही है डेरीज पे वो 23, 24, 25, जो अच्छी डेरी जो ऊपर वाले चारों पांचों पिलर्स को कवर करते हैं उनकी एवरेज 24-25, 23-24-25 एवरेज है। तो मतलब आप 16 लीटर उसको कर सकते हैं कि आपकी जो कास्ट है वो 16 लीटर है, ऊपर जो 4, 5, 6, 7 लीटर है वो आपकी पर काउ बचत है। तो सो माजी में मैं बल्कि स्टिल मैं ये सुनता आया हूँ कि जो पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री है बेसिकली ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए लगाई जाती है। तो चूंकि मैं खुद पिछले 5-6 साल से एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ तो मैं फार्म्स को हैंडल करता हूँ, फार्म की इकोनॉमिक्स हर तरह से, तो मैंने देखा है कि ये कंसेप्ट जो है ना ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। मेरे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं कि जिन्होंने ब्लैक वाइट वाला कोई चक्कर नहीं है, उनका टोटली जो घर की जरूरियात है उनका जरिए माश डेयरी फार्मिंग है और वो माशाल्लाह उससे खूब कमा रहे हैं सिर्फ दूध से। डेयरी में बेसिकली आपकी आउटपुट सिर्फ दूध नहीं है बल्कि आपकी एक मेजर आउटपुट है वो है हीफर, कि जो आपके बच्चे आए हीफर तैयार होगी वो प्रेग्नेंट होगी, आपने साल बाद हीफर सेल कर दी वो आपकी एक मेजर प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप हीफर को सेल नहीं भी कर रहे तो सिर्फ दूध से ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तो जो दो आपके आउटपुट्स हैं, एक तो दूध से आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं, इसके अलावा आपकी जो हीफर्स हैं वो भी आपका एसेट है कि आपकी ही फर्ज से फॉर एग्जाम्पल आपका 100 एनिमल्स का शेड है तो 3 साल बाद अगर आप सेल करने पे आए, आप अपने हर्ड को इंक्रीज नहीं करना चाह रहे तो 3 साल बाद आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि साल बाद आप 30 से 40 ही फर्ज आप सेल कर सकें तैयार करके उनको। और इस वक्त मार्केट में एक ही फर्ज जो प्रेग्नेंट है उसकी कीमत 4 से 4.5 लाख रुपए है जिस रेट पे आपने सेल करना है। सो कास्टिंग डेयरी फार्मिंग की इस वक्त बड़ी मजे वाली कास्टिंग है और बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है पाकिस्तानी सिनेरियो में इस वक्त डेयरी फार्मिंग। तो हमारे जो नए वेटनेरियंस हैं अगर हम उनकी बात करते हैं कि वो किस साइड पे जाना चाह रहे हैं, वो डेयरी सेक्टर में है उनका इंटरेस्ट है वो डेयरी सेक्टर में आना चाह रहे हैं, तो मैं इस हवाले से भी कुछ बात करूंगा कि डेयरी में बेसिकली काफी जॉब्स हैं। जो सबसे मेजर जो हम वेटनेरियंस को अच्छी लगती है वो हमें लगती है कि जी हम फार्म पे जाएं और फार्म पे रहें एज अ फार्म मैनेजर, तो अच्छी चीज है। लेकिन मैं उसमें जो मेरे रिमार्क्स हैं जो मैंने चीज फील की है, सबसे पहली चीज ये है कि आप फार्म पे जा रहे हैं फार्म पे रह रहे हैं, आप वहां से सैलरी अच्छी है कम है जितनी भी आप वो सैलरी ले रहे हैं, लेकिन ये लाइफ टफ है। टफ इस सेंस में कि आप सेम लाइक पोल्ट्री प्रोडक्शन कि आप एक एनवायरमेंट में बांधते हैं वहीं पे आपने रहना है, पूरा महीना आपका उधर गुजरना है, महीने बाद जो आपके वो 3-4 संडेज हैं आपने महीने बाद ऑनर से कहा
कि सारा मैं घर जाना चाह रहा हूँ, 4 छुट्टियां मेरी यहाँ महीने की बनती हैं, तो आनर की कोशिश होगी कि डॉक्टर साहब ना ही जाए तो बेहतर है। सो आप बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेके निकलेंगे, आप घर चले गए, उसने 2 या 3 दिन बाद ही उसकी कोशिश होनी है कि डॉक्टर साहब 4 छुट्टियां ना ही करें, 2 ही करके वापस आ जाए। सो सबसे मेजर इशू ये है कि आपको वहां बाउंड रहना पड़ता है। दूसरा, पाकिस्तान में चूंकि डेयरी इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, अभी उस तरह से लाइक पोल्ट्री इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स डेवलप नहीं हो सके, तो कारपोरेट डेयरीज तो हैं काफी माशाल्लाह बन रही हैं, लेकिन ज्यादा हमारे जो वेटरनेरियंस हैं, चूंकि वो छोटी कमर्शियल डेयरीज में 200 एनिमल की, 500 एनिमल की, इस तरह की डेयरीज में जॉब करते हैं, तो यहाँ चूंकि आपके ऊपर टोटली एक ही ऑनर होता है, मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई कारपोरेट डेयरी है, वहां तो आपके जो सीनियर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो खुद वहां पे एम्प्लॉय हैं, वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को समझते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं, वो उनके साथ कॉपरेट भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक ऑनर है, वो पता नहीं पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसका अपना मूड है, आप उसे अच्छे लग रहे हैं तो वो आपको साल 2 साल 3 साल अपने फॉर्म पे जॉब दिए रखेगा, जिस दिन आप उसे अच्छे ना लगे, उसके मुंशी ने कान भर दिए, लो जी डॉक्टर साहब ने तो गलत टीका ला के साड़ी गांव मार देती है, तो वो अपने मूड की बेस पे आपसे कह सकता है लो जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तुसी घर नू जाओ। सो मतलब जॉब सिक्योरिटी जो है ना वो ना होने के बराबर है, और मैंने अपने सारे कैरियर में शायद कोई 1% के करीब सुना होगा कि किसी फार्म पे कोई वेटनेरियन 2 साल या हद 3 साल तक उसने स्टे किया हो, वरना मैंने कभी 6 महीने, साल, हद 1.5 साल से ज्यादा किसी वेटनेरियन को किसी डेयरी पे स्टे करते नहीं देखा। तो ये इसके मेजर इश्यूज हैं, तो इन चीजों को माइंड में रख के तो फिर इस सेक्टर में आए। दूसरा, उसके बाद इस सेक्टर में फर्दर आगे जॉब्स कौन सी हैं, ये तो है प्रोडक्शन की जॉब। दूसरी इसमें जो जॉब है वो जैसे मैं कह रहा हूँ, आप मतलब एक एरिया में अपना नाम डेवलप करें, मार्केट में अपना नाम डेवलप करें और कंसल्टेंसीज का काम करें, डेली कंसल्टेंसीज का, आपको कंपिटेंट होना चाहिए उसके लिए, लोग आप पे ट्रस्ट करें, आप उनको सर्विसेज दें, तो डेली कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है डेयरी में मार्केटिंग। डेयरी में मार्केटिंग की जो जॉब्स हैं अच्छी हैं और बेहतर हैं, इनमें से सीमन की मार्केटिंग आ जाती है कि आप डेयरी किसी कंपनी में जॉब करें और फार्म्स पे सीमन सप्लाई करें, सो सीमन की मार्केटिंग है। फीड एडिटिव्स की मार्केटिंग है, फीड एडिटिव्स में मिनरल मिक्सचर्स, बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन, रूमिनल बफर्स, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, उनकी जॉब्स भी अच्छी खासी कह लें कि बेहतर जॉब्स हैं वो। इसके बाद आपके पास आ जाता है मेडिसिन की जॉब है डेयरी से रिलेटेड, तो डेयरी से डेयरी में मार्केटिंग की जॉब्स हैं, कंसल्टेंसीज की जॉब हैं और फार्म मैनेजर की जॉब्स हैं। साथ में आप अपना वो क्लिनिक वाला ट्रेंड भी है कि आप किसी एरिया में अपना क्लिनिक बना के फील्ड प्रैक्टिस करें, तो वो भी ऑप्शन है डेयरी में। ये थी जी सारी डिटेल मेरा एक्सपीरियंस डेयरी फार्मिंग के मतलब, तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो वो आप इलाज झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जई साहब, आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई। तो अभी जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमारे पास 2 मिनट हैं। 40 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद हम दोबारा जो है कि वो ऑनलाइन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आया, वेट एवरेज 16 लीटर, इज इट रिलेटेड टू स्पीशी ऑफ एनिमल? वेट एवरेज कैलकुलेशन फार्मूला प्लीज। ठीक है जहीर साहब, ये क्वेश्चन आया है कि वेट एवरेज फॉर एग्जांपल 16 लीटर, इज जी इट रिलेटेड टू स्पीशी ऑफ एनिमल या किसी एनिमल के हवाले से है? जो वेट एवरेज है ना, जो आप डेयरी में देखते हैं कि जो मेरी मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर आपके पास 100 मिल्किंग एनिमल है तो उसमें आप देखेंगे कि कोई एनिमल 40 लीटर दूध दे रहा है, कोई 30 लीटर दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 10 लीटर दे रहा है, आपने सभी दूध जो है ना उसको आपने जमा किया, से फॉर एग्जाम्पल 100 मिल्किंग एनिमल था और आपका जो डेली का दूध है वो 2000 लीटर हो रहा है, जी ठीक, तो 2000 डिवाइडेड बाय 100 आपकी जो एवरेज है वो 20 लीटर की एवरेज आएगी, आपकी वेट एवरेज ये होगी 20 लीटर, 20 लीटर। तो 16 पे आप नो प्रॉफिट हो, लास्ट पे खड़े हैं,
मतलब 1600 लीटर आपका खर्चा है और ऊपर वाला जो 400 है, 400 लीटर है वो डेली आपका प्रॉफिट है। फिजिबिलिटी कास्टिंग करने, कास्टिंग निकालने के इसके अलावा भी मुख्तलिफ वेज हैं कि आप पर एनिमल कास्ट निकाल लेते हैं। इस वक्त अगर हम पर एनिमल की जो मिल्किंग एनिमल है उनकी कास्ट करें तो तकरीबन 900 रुपीज पर एनिमल जो है वो आपकी डेली की कास्ट है, फीडिंग की प्लस मैनेजमेंट हर तरह की कास्ट 900 रुपीज पर एनिमल। ये मिल्किंग एनिमल की है, उसमें अगर ड्राई एनिमल है उसकी कास्ट जो है वो 300 की है, अगर स्मॉल हीफर्स हैं तो वो 250 उनकी कास्ट है पर डे की। तो मतलब मुख्तलिफ वेज हैं कास्टिंग के, लेकिन जो सबसे मोटी चीज है वो यही है कि जी एवरेज की है डेयरी की। एवरेज अगर 16 से ऊपर है तो समझ जाएं कि फार्मर को कुछ बच रहा है, और अगर 16 से नीचे है तो समझ जाएं कि वो जी बस। सर, जी सर, हम दोबारा अब ऑनलाइन होंगे, ये हमारा सेशन क्लोज होने लगा है, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे।